जैसे राम मंदिर के लिए सब हिंदुओं ने प्रयत्न किया कि हम लोगों को मिलकर एक बार फिर से उस मस्जिद को हटाकर वहां हमारे रामलला जैसे विराजमान हुए हैं, वैसे कृष्ण कन्हैया भी विराजमान कब तक हो जाएंगे? मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या करें हम सब हिंदू जाकर। दोस्तों, इस बार इस बाबा जी ने मुस्लिम और हिंदू के बारे में जो बोला है वो आपको सुनना जरूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो या कोई भी हो, आप इस वीडियो को देखना। क्या यह बात सही है? क्या बाबा जी ने जो बात बताई वो सही है? क्या इस लड़के ने जो सवाल किए बाबा जी को, तो उस बाबा जी ने जो उत्तर दिए क्या वो सही है? क्या लड़के ने सवाल जो किए वो सही है? तो आप सब मिलके देखेंगे इस वीडियो को और मैं भी आपके साथ देखूंगा क्या ये वीडियो में बताया जो भी बताया वो सही बताया या गलत बताया। तो आओ सब मिलके इस वीडियो को देखते हैं क्या ऐसा सही है, ये सब सही है या गलत है। तो आप कमेंट करना ना भूलना इस वीडियो। ये तो वहाँ पर मस्जिद भी बनी हुई है, कृष्ण जन्मभूमि में। तो हम सब हिंदुओं को मिलकर क्या करना चाहिए कि उस मस्जिद से छुटकारा मिलकर हमारे कृष्ण की जो जन्म लीला है, जहाँ पर उन्होंने अपना प्रकट मतलब जन्म हुआ है, उस जगह पर मुसलमानों द्वारा क्यों कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है, उसे कब तक हटा लिया जाएगा हमारे सरकार द्वारा? या हम सब लोगों को ही प्रयत्न करना होगा, जैसे राम मंदिर के लिए सब हिंदुओं ने प्रयत्न किया, या हम लोगों को मिलकर एक बार फिर से उस मस्जिद को हटाकर वहां हमारे रामलला जैसे विराजमान हुए हैं, वैसे कृष्ण कन्हैया भी विराजमान कब तक हो जाएंगे? मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या करें हम सब हिंदू जाकर? आप हमारा मार्गदर्शन करें और कहें तो कल से ही हम जाकर वहां पर कृष्ण भगवान को विराजमान कर दें और उनकी लीला का जो स्वरूप है वो सबके सामने आ जाए। मस्जिद को हटाने की कृपा करें गुरुदेव। कोर्ट केस चल रहा है जी गुरुदेव, अभी कुछ निर्णय आया भी था हिंदुओं के पक्ष में जी, और सब्र रखो कौन सही कौन गलत। जैसे रामलला आए जी, ऐसे देर सवेर कन्हैया भी आएंगे जरूर जी, जरूर आए। लेकिन क्या है, दिल में दर्द उठ जाता है जैसे ही मस्जिद सामने देखता हूँ ना, तो कृष्ण लला का जो जन्म स्थान है उसमें ये दाग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता गुरुदेव। क्या मालूम ये हिंदू जाग नहीं रहे हैं हमारे यहाँ के। अभी आपको जो काम करना चाहिए वो आप एक काम करो जी, आप भारत के सभी युवाओं को जी एक काम करना चाहिए, ये जो आपके अंदर खून जो गर्म है ना जी, इस गर्म खून का फायदा लो। क्या करो मैं काम बताता हूँ, देश के सभी युवाओं को मैं काम दे रहा हूँ, सब करो ये काम। अपने आप सारी मस्जिदें मंदिरों के स्थान से अपने आप हटने लग जाएंगे, तुम ये काम कर लो। काम सिर्फ इतना कि आज हमारे देश में जो तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, गांव के हिंदुओं के हिंदुओं के घर कन्वर्जेशन में फंस रहे हैं, क्रिश्चियन लोग मुस्लिम लोग गांव के गांव को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आप सभी सनातनी युवाओं को खड़े होकर इनके पास जाकर इनका विरोध करना चाहिए और अपने हिंदू भाई बहन को पुनः घर वापसी करानी चाहिए, अपने धर्म में पुनः वापसी लाओ जो चले गए। यदि तेजी से हमारे हिंदू पुनः वापस आने लग जाएंगे तो ये मुद्दे बहुत बड़े नहीं जी। ये राम मंदिर जैसे बना चल रहा है, कोर्ट केस चल ही रहा है, हम सबको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं जी, हमें केवल ये करना चाहिए कि आज आप बताओ गांव के गांव हिंदुओं के कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं जी, बिल्कुल हो रहे हैं। तो कौन इसको ठीक करेगा? हम सबको एकता रखनी होगी गुरु जी। सरकारें ठीक नहीं कर सकती, कर सकती तो अभी तक कर लेती, सरकारों के बस का नहीं है। हमें अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ेंगी, कुछ लड़ाइयां, और वो लड़ाइयां क्या है? लड़ाइयां ये हैं कि आज जो हमारे हिंदुओं को परिवर्तित कराया जा रहा है, हम अपने हिंदुओं का एक संगठन बनाएं, हर गांव में उसे संचालित करें और अपने लोगों से कह के रखें कैसे कोई विधर्मी लोग आए तो उनका तरीके से बहिष्कार होना चाहिए, तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। आपका सानिध्य पाके दोस्तों, क्या बाबा जी ने जो बात कही वो सही है या इस लड़के ने जो सवाल किए वो सही है? क्या होना चाहिए, क्या मुस्लिम लोगों की मस्जिद को हटाया जाए, वहाँ पे मंदिर कृष्ण जी का बनवाया जाए, या कृष्ण जी की जगह पे जो मस्जिद बनाई गई है ऐसा बोल रहे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है? कमेंट करके बता सकते हो कौन, किसने सही बोला किसने गलत बोला। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।